जब नाम की होती है आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तब तक तो कंपनी के हाथ में शासन होती है, बट 1857 की क्रांति के बाद नेक्स्ट चैप्टर में या फिर इसी क्लास में आधुनिक मॉडर्न हिस्ट्री में ही आप पढ़ोगे नेक्स्ट, ठीक है, कि किस तरह से 1857 की स्वतंत्रता क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से ब्रिटिश क्राउन शक्ति छीन लेती है और अब भारत पर सीधा का सीधा ब्रिटिश गवर्नमेंट, दैट इज ब्रिटिश क्राउन, दैट इज ब्रिटिश का जो किंग होता है उनका सीधा का सीधा अधिपत स्थापित हो जाता है, ठीक है। तो ये बैटल ऑफ बक्सर को हमने देखा। अब इसके परिणाम मैंने कहा कि दूरगामी थे, बहुत ही बड़ा परिणाम था अंग्रेजों के फेवर में। अब क्या हुआ कि भारत पर स्वतंत्र रूप से ये क्या कर सकते थे, मतलब इनका अधिकार हो गया। अब इनको न ट्रेड के लिए किसी को पैसे देने थे, न टैक्स जमा करना पाता उसके लिए झगड़ा था, क्योंकि अब न अवध का कोई नवाब रहा, न बंगाल का कोई नवाब रहा और न दिल्ली में मुगल एम्परर रहा। उन्होंने शाह आलम को गिरफ्तार करके, आप पढ़ेंगे बता दें कि शाह आलम को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया, जो आज म्यांमार जिसको हम बर्मा कहते हैं उस कंट्री में भेज दिया और वहीं पर कैद करके रखा था। तो इस तरह से क्या होता है कि सॉरी शाह आलम सेकंड होता है 1857 के टाइम में और ये शाह आलम फर्स्ट था, ठीक है। तो सॉरी इनको नहीं रंगून भेजता है, शाह आलम सेकंड को रंगून भेजा जाता है, बट ये क्या है अब मुगल एम्परर का लगभग लगभग स्वामित्व जो है खत्म हो चुका होता है और बंगाल पर 100% और सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन होता है। अब इनसे फायदा ये होता है इनको बंगाल जैसे बड़े प्रोविजन से बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते हैं। आपको पता है कॉटन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, जबकि आज बिहार बंगाल और उड़ीसा अलग हो चुके हैं, तब भी पश्चिम बंगाल जूट का और कॉटन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बिहार और बंगाल ही है। तो ये जो पूरा प्रोविजन था ये इस लिहाज से इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अब उनको टैक्सेस नहीं देने थे। इसके अलावा जो यहाँ के छोटे छोटे मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, उन पर भी अब ये हावी हो गए क्योंकि अब इनका शासन था, तो अब इनके अकॉर्डिंग लोगों को क्या है चलना पड़ता था। अब क्या करता था, जो उनको खरीदने के लिए मार्केट में अब उनके पास कंपटीशन भी नहीं रही, जो फ्रेंच पुर्तगाली थे वो भी अब उनके साथ नहीं रहे, उनके पास नहीं रहे कंपटीशन के लिए, क्योंकि उनकी ताकत को देख करके वो लोग भी बंगाल प्रोविजंस को छोड़ चुके थे। तो अब वो क्या करते थे, कम से कम दामों पर जबरदस्ती उनसे वो सामान खरीदते थे और बाद में ऐसा हुआ कि धीरे धीरे वो गुलाम बनाने लगे और उन चीजों के लिए अब उसको पैसे भी नहीं देने पड़ते थे, उल्टा हम भारतीयों से ही वो खेती करवाते थे, उसे उपजाते थे और वो रॉ मटेरियल्स बिना किसी दामों पर, ठीक है, बिना किसी कीमत पे वो उसको ले करके चले जाते थे। तो ये जो बैटल ऑफ बक्सर था ये इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिशर्स की एक रूल स्थापित हो जाती है, उनका शासन स्थापित हो जाता है और बंगाल के सारे प्रोविजंस पर, बंगाल और अवध पर लगभग लगभग सीधा सीधा, बंगाल पर तो सीधा सीधा ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन हो जाती है, अवध के भी बहुत सारे भाग पर उसका शासन हो जाता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि बैटल ऑफ बक्सर के कारण एक नई पृष्ठभूमि जो भारत को लेकर के तैयार होती है और धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी और भी एक्सपेंड करने लगती है और बाद में जाकर के 1857 की जो पहली क्रांति होती है उसके बाद पूरा का पूरा जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में जो शासन होता है वो सीधा का सीधा ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला जाता है और ब्रिटिश गवर्नर ही हम भारतीयों पर रूल करने लगते हैं, ठीक है। तो ये बात आपने समझा। अब हम लोग इससे इसका नेक्स्ट टॉपिक, इसी में जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमको उम्मीद है कि आप ये सब चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी और हम एक बार फिर से ब्रीफ कर दें एक कहानी के तौर पर कि किस तरह से बेटा बैटल ऑफ अलासी 1757 में शुरू हुई थी सिराजुद्दौला से, है ना, जो अंग्रेजों की बातें नहीं मान रहा था, उनके फरमान को नहीं माना जो फरुसियर के द्वारा दिया गया था, उसी के वजह से मेन क्या हुआ था बैटल ऑफ पलासी हुआ था। फिर बैटल ऑफ बक्सर की बात होती है, सिराजुद्दौला को हराने के बाद क्या करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी मीर जाफर को वहां का नवाब बनाते हैं, मीर जाफर को भी बाद में ब्रिटिशर्स के साथ मतभेद हो जाता है और फिर वो क्या करते हैं मीर जाफर के दामाद मीर कासिम को वहां का नवाब बनाते हैं और फिर मीर कासिम भी क्या है वो जैसा सोचते वैसा नहीं था, उस तरह से उनको बाहर नहीं दिए गए, उनको धनराशि नहीं दी गई, जिसकी वजह से उन्होंने क्या करा कि बाद में मतलब
सॉरी निर्दासी की वजह से निर्दासी ने उनको वो उपहार नहीं दिए, उस तरह की बातें उनको नहीं बताई, उस तरह की जो भी एक्सपेक्टेशन थी ब्रिटिशर्स की उस पर वो खड़े नहीं उतरे। उल्टा ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि मीर कासिम को बंगाल को अवध मुगल एम्पायर के अधीन करने की कोशिश की, उसे भी उन्होंने मना किया। इसके अलावा उनके जो मैसेंजर थे उनके साथ मिसबिहेव किया, जिसकी वजह से मीर कासिम भी क्या करता है, ब्रिटिश मैसेंजर जो उसके पास आते हैं उनकी हत्या कर देता है। और फिर बाद में मीर कासिम मुगल एम्पायर शाह आलम के साथ और अवध का जो नवाब होता है शुजा उल दौला, इस तीनों के साथ मिलकर एक गठबंधन बनाता है और अंग्रेजों के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ती है, जो लड़ाई बैटल ऑफ बक्सर के नाम से फेमस हुई, जो हुई थी 23 अक्टूबर 1764। ठीक है, और इस युद्ध में क्या होता है, अंग्रेजों की जीत होती है और ये फिर एक बार हार जाते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अब सीधा का सीधा पूरा शासन जो है, पूरी पावर ईस्ट इंडिया कंपनी के कैप्चर में आ जाती है। ठीक है, और इस तरह से उनको कहीं भी जाने आने का बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाते हैं, आने जाने की छूट रहती है। अब तो उनका शासन रहता है तो उनको इस चीज का कोई टेंशन नहीं लेना, टैक्स पे करना है, कोई रेवेन्यू देना है ना किसी सोर्स से, ना मार्केट में कंपटीशन रही कि किस चीजों की कीमत बढ़ जाएगी, अब वो अपने मुताबिक अब वो सामान की कीमत लगाते थे और सामान को खरीद करके ले जाते थे, रॉ मटेरियल ले जाते थे और उस तरह से अपना ट्रेड को और एक्सपेंड करने लगे। अब किस तरह से अंग्रेजों का ट्रेड और धीरे धीरे एक्सपेंड होता है और कहां तक वो ट्रेड के कारण पहुंचते हैं, ये सारी की सारी कहानी इसके बाद टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। किस तरह से वो बंगाल को छोड़ करके महाराष्ट्र की तरफ यानी कि वेस्टर्न इंडिया साइड में कूच करते हैं और महाराष्ट्र में एंग्लो मराठा वार होता है। इतना ही नहीं, उसके बाद वो दक्षिण की तरफ भी जाते हैं, ठीक है, और वहां पर भी युद्ध होता है और वहां के प्रोविजंस के भी जो भी छोटे छोटे प्रोविजंस में जो रूलर्स होते हैं उनको हराते हैं और फिर धीरे धीरे पूरे भारत पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसके बारे में देखेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर बेहतर समझ आई होगी। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।